तो लोकल ट्रेन सेवा तो शुरू हो चुकी है, लेकिन कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर बातें की जा रही थी कि वैक्सीन के लिए थोड़ा समय है और जब तक समय है तब तक मास्क के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, जिसको लेकर बृहन्मुंबई महानगर पालिका अब गंभीर है। और कोरोना वैक्सीन आने के बाद धीरे धीरे स्थिति तो सामान्य हो रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा लोगों से मास्क लगाने की अपील की गई थी, लेकिन जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है उस पर अब मनपा कर्मियों की पैनी नजर है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। और ऐसे में आम जनता के लिए मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन शर्तों के साथ शुरू की गई, साथ ही कोरोना से बचने के लिए जारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशनों पर बीएमसी द्वारा मास्क न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। वहीं मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन पर मास्क न लगाने वालों से बीएमसी कर्मचारी दंड वसूलते नजर आए। अंधेरी स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर सुबह से ही बीएमसी कर्मचारी तैनात हैं, जहां का जायजा लिया हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप शर्मा ने। मुंबई करों के लिए जहां लोकल ट्रेन की सेवा बहाल कर दी गई है, साथ ही अगर बात करें तो ऐसे में स्टेशन में जो है सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से मुंबई करों को लोकल ट्रेन के उत्साह है, लोग ट्रेन में सफर करें, वहीं साथ ही प्रशासन की जो गाइडलाइंस है कि लोग मास्क पहने और जो है जो सावधानी बरतने की जरूरत है उसको बरते, लेकिन ऐसे में अंधेरी स्टेशन में लगातार आप देख सकते हैं कि जो मास्क नहीं पहने हैं उनके खिलाफ जो है बीएमसी और प्रशासन की कार्यवाही जारी है। ऐसे में लगातार लोगों से जो है फाइन वसूला जा रहा है, क्योंकि पहले ही कहा गया है कि मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि अभी कोरोना का जो संकट है वो टला नहीं है। ऐसे में हमारे साथ बीएमसी के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो मास्क के लिए लोगों से फाइन वसूल रहे हैं। आपसे जानेंगे, सबसे पहले आपका नाम? मुगिला नायडू। मुगिला जी, कितने लोगों पर अब तक जो है कार्रवाई हुई है और कितने लोग विदाउट? 12:30 बज रहा है जब तक हमारा 18 जन को पकड़ा, 18 जन से कार्रवाई हुआ है। ये कार्रवाई किस पर हो रही है? विदाउट मास्क के ऊपर हो रही है सर। मास्क जो कंपल लगा रहे नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कितना फाइन है इस पर? 200 रुपीज़ फाइन है सर। 200 रुपीज़ फाइन है, उसका रिसीप है। क्या लोग किस तरह से कह रहे हैं? जब आपने देखा कई लोग तकझक भी कर रहे हैं आपसे? कर रहे हैं सर, जो तो हमारा काम है, करते ही है, तो भी उनको खड़ा रखते हैं अधिकारी लोग, हम लोग को सपोर्ट करते हैं। ये अभियान कितने बजे तक चलाया जाता है स्टेशन पर? सर ये देखो, हम लोग का ड्यूटी 6 बजे तक हम रहते हैं। हाँ, मॉर्निंग 11 to 6 रहते हैं हम। एक घंटे में 18 से 20 लोगों पर जो है कार्रवाई की गई है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ लोगों में उत्साह है कि करीबन 10 महीने बाद आज लोगों को जो है रेलवे की जो लोकल ट्रेन है वो शुरू की है, लोग जो है उससे सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान से मार्च से जो है ट्रेन बंद कर दी गई थी। ऐसे में लोग सफ़र कर आज उत्साह है। सर, लोकल ट्रेन से आज 10 महीने बाद अगर बात की जाए, शुरू की गई है आम मुंबई करों को, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह हुआ, लेकिन जो टाइमिंग शेड्यूल रखा गया, क्या उससे खुश हैं? अभी देखो, सुरक्षा के कारण रखा गया है तो हम खुश हैं। थैंक यू। सुरक्षा के कारण रखा गया है तो खुश है। ऐसे में मुंबई करों की मिली जुली प्रतिक्रिया है, जहां लोग टाइमिंग को लेकर नाराज हैं, तो वहीं लोग इसलिए खुश हैं कि आखिरकार 10 महीने बाद उनको ट्रेन में सफर करने का मौका मिल रहा है। लोग जो परेशान थे उनकी थोड़ी परेशानियां, जो इंतजार था वो खत्म हुआ और लोगों के लिए जो है आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन शुरू की गई है। कैमरामैन सदानंद सेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन24 न्यूज, मुंबई।